जब हम फिजिक्स पढ़ते थे हम भी यही सोचते हैं जो आप इस समय पर सोचते हो। क्या है कि सर फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, फिजिक्स में ये डेरिवेशन समझ में नहीं आते। तो मैं आपको बता दूं फिजिक्स के पेपर में क्या क्या चीज़ होती है। एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस प्रश्न, 6 आ रहे हैं आजकल बोर्ड परीक्षा में, वो 6 नंबर के हो गए। थ्योरी आती है, थ्योरी ना के समान रहती है, थोड़ी बहुत आती है थ्योरी, एक एक दो दो नंबर के प्रश्न। बाकी जितने भी बड़े बड़े प्रश्न होते हैं 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, मोस्टली क्या आते हैं उसमें डेरिवेशंस आते हैं और प्लस न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। कि थोड़ी सी थ्योरी इस तरीके से आ जाती है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो थोड़ी सी तो थ्योरी है, बाकी पूरा डेरिवेशन दे दिया। या सीधे सीधे एक समान क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालो या कार्य का व्यंजक प्राप्त करो और उसी में एक न्यूमेरिकल घुसा दिया। तो कुल मिलाकर क्या होता है, हम सोचते थे कि यार एमसीक्यू हम कर लेंगे, थ्योरी हम कर लेंगे, फिर उनकी मार्किंग हम देखते थे कितने नंबर का तैयार हो गया, 6 नंबर के न्यूमेरिकल्स हो गए और 10 से 15 नंबर की थ्योरी, ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर तक की, मान लो 20 से 25 नंबर ही क्लियर हो पाते थे। बाकी का 70 नंबर का पेपर बनता है, बाकी का क्या रह गया, हमें सारी चीज तो यहीं पर रह गई, डेरिवेशंस रह गए और न्यूमेरिकल्स रह गए। ये तो मैथ वाले स्टूडेंट सोचते हैं, और बायोलॉजी वालों की तो क्या ही कहने, क्यों उनकी भी परेशानी है क्योंकि 10वीं क्लास से बाद में वो मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं है, और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते तो उनके डेरिवेशन पोर्शन बहुत ज्यादा कमजोर रह जाता है, और डेरिवेशन पोर्शन कमजोर रह जाता है उसी के कारण मैथमेटिक्स ना होने के कारण उनका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी ज्यादा रहती है बायोलॉजी वाले। और मैथ वालों की सेम सेम रहती है, बस थोड़ा सा बस वो कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्यों की क्यों बनी रहती है, ऐसा क्यों? कई सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स के डेरिवेशंस में अवकलन के फॉर्मूले आते हैं, समाकलन के फॉर्मूले आते हैं, अवकलन के फॉर्मूले आते हैं, कहीं कहीं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आते हैं। तो ये सारी समस्या रहती है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ डेरिवेशन में देखा होगा आपने साइन थीटा, जब हम वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य को निकालते हैं, या फिर एक समान परिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वहां पर भी हमारा ये समाकलन कॉस थीटा डी थीटा का आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीजें बड़ी मतलब होती हैं, खौफनाक सी, वहां पर थीटा वन और थीटा टू लिमिट वाली और लगी रहती है। अब ये बोले बायोलॉजी वालों को तो सोचते हैं यार सर हमको तो ठीक है नहीं समझ में आती क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, पर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को भी ये चीज समझ में नहीं आती, उनका क्या कारण बनता है? उनका कारण ये बनता है क्योंकि इसमें ये जो समाकलन होते हैं, ये समाकलन आपका लिमिट वाले हैं, यानी निश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन क्या होता है, तो मैथमेटिक्स की 12th क्लास में 2 किताबें हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये पार्ट 2 में आता है, वो भी बीच में जाकर। तो पहले पार्ट में क्या है, पूरा मैथ पढ़ता रहता है स्टूडेंट है, और लास्ट में जाकर करता है, जब तक तो ये डेरिवेशन आ चुके होते हैं तो उनको भी समझ में नहीं आते क्योंकि वो लास्ट तक पढ़ नहीं पाते ना, जब तक कोर्स उनका बहुत मतलब ये चीज कोर्स के लास्ट में दे रखती है, लेकिन जो डेरिवेशन फिजिक्स में तो शुरुआत में आ जाते हैं, तो उनको भी दिमाग से वो भी इसी तरीके से रहते हैं लुल्ला आपकी तरह। तो बड़ी समस्याएं रहती हैं, सर इसका निवारण क्या है, निवारण बताओ हमें, कुछ सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाए। तो उनके लिए आपको मैं बता दूं कुछ चुनिंदा फॉर्मूले, जैसे कि समाकलन अवकलन त्रिकोणमिति के, जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, इनकी वैल्यू साइन की जो टेबल है भाई, कम से कम एटलीस्ट 90 तक की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ चीजें जो इंपोर्टेंट रहती है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जब आपका ये चीज बेस क्लियर हो जाता है ना, तभी आप इसमें न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस कर पाते हो, अदरवाइज यही में आप पिछड़े रह जाओगे और यही से आपका स्कोर इतना ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि आप पेपर में देखोगे तो 25 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं चॉइस वॉइस के लगा के सारे लगा के, बल्कि 30 से ही ऊपर पहुंच जाते हैं। पुराने पेपर देखो, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर देखो, जो पुराना उसने सैंपल पेपर डाला हुआ है उसमें कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं। और उसी तरीके से डेरिवेशन आप देखोगे, हर चीज में डेरिवेशन, छोटे मोटे डेरिवेशन आते रहते हैं छोटे मोटे, तो कुल मिलाकर 20 से 25 नंबर के या 25 से 30 नंबर के डेरिवेशन, यदि दो चीजों का वेटेज देखोगे तो आधे से ज्यादा पेपर में पूरे के पूरे में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स रहते हैं फिजिक्स के में, बाकी में थ्योरी और ये, तो थ्योरी और ये करके 30 नंबर मान लो, बाकी 40 नंबर तो यही रहेंगे, इतना समझ लो। यदि मोटा मोटी में बात करूं, ये 30 नंबर का पोर्शन रहेगा तो ये आपका 40, ये रख लीजिए, 30 से ज्यादा होगा ही नहीं न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू और ये वाला। और इस एमसीक्यू में भी कुछ बहुत सारी चीजें न्यूमेरिकल्स से बेस्ड ही आ जाती हैं, समझ रहे हो? तो
इसका निदान पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा ये त्रिकोण कम से कम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मैं बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जितने भी आपके फिजिक्स में रिलेटेड समाकलन आएंगे, जितने भी अवकलन आएंगे, जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आएंगे, वो सारे एक ही वीडियो में बता दूंगा, ताकि वो आपको डेरिवेशंस में भी मदद करेंगे और न्यूमेरिकल्स में भी मदद करेंगे। और ये चीज आप हैवीली अच्छी तरह से करना चाहते तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनको कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देख के करना, कहीं से भी कर लो, आप किताब पढ़ के कर लो, चाहे मार्केट से जाके मॉडल पेपर कुछ भी खरीदो, लेकिन इनको कर लेना, तभी आप न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस कर पाओगे, तभी आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। समस्या वही रहती है, हमारे टाइम भी यही समस्या थी, और जब आप पेपर करके चले जाओगे, बीएससी वगैरह कर रहे होंगे, आज से 2 साल बाद जो स्टूडेंट आपके सामने मिलेगा उसको भी यही चीज बताओगे। इसलिए उसको बताने से पहले आप स्वयं में इस चीज को ढाल लो। हमको ऐसा कोई बताने वाला था नहीं, हमारा बहुत ज्यादा पिछड़े थे, लेकिन फिर भी हमने कवर कर लिया था, ठीक है, लास्ट टाइम पर सारी चीजें कवर हो गई थी, तो इसलिए। लेकिन आपका समय बर्बाद ना हो, आप इस चीज से मतलब ना जूझे समस्या से, तो इसका निवारण पहले से ही कर लीजिएगा, और बाकी एक वीडियो बनाऊंगा उसको देख लोगे, तो उसके बाद में तो आपको ये समस्या रहेगी ही नहीं, और हमारी वीडियो देखते होंगे तो आपको भी ये समस्या आती भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको हम बता रहे हैं इस चीज का सोल्यूशन यही है, ठीक है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके दूसरी वीडियो आएगी जिसमें आपका सारी समस्या का निवारण हो ही जाएगा। जय।